वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ निंजालिया व्लॉग। तो लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था आपको कि कैसे हमारे यहाँ मंदिर में प्रोग्राम होता है और कैसे उस ज्योत को जलाया जाता है और कैसे सब कुछ किया जाता है। तो ये है उसका नेक्स्ट डे। आज के दिन का प्रोग्राम ये है कि हमारे गाँव में जितने भी घर हैं उन घरों पर बनेगा दाल बाटी चूरमा। सेम मतलब कुछ भी बन सकता है, मतलब चूरमा जो है वो बेसिक है। चूरमा तो हर घर में बनता है, हमारे भी बनना स्टार्ट हो गया होगा अभी। और उस चूरमे का भोग लगेगा मंदिर में तेजी महाराज को। और जब इतने सारे लोग आएंगे तो उनको मैनेज करने के लिए यहाँ भी होना चाहिए कोई। तो ये काम नरेश और हम लोग कर देते हैं। बाटी तो बन चुकी है और ये चल रही है चूरमे की तैयारी। अभी बहुत मेहनत वाला काम है यार। लोग आने लग गए हैं और यहाँ पर नरेश जी को सबसे इम्पोर्टेंट काम दिया गया है। इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब ऐसा है, जो बूढ़े आएंगे उनके लिए हम हैं, महिला के लिए हैं, पुरुष और लड़कों के लिए नहीं है। अच्छा, नरेश जी का काम है यहाँ पर आने वालों को नारियल तो फोड़ना। ये नारियल फोड़ने का काम नरेश जी का, कंडीशन अप्लाई, टर्म एंड कंडीशन है, सिर्फ बूढ़े लोगों का और महिलाओं के नारियल ही फोड़ते हैं ये। चलो मम्मी बाहर आ चिल्ला ले जाओ यार, आप रहिए बाहर आल। तो गाड़ी भी चल रहेगी। यहाँ का काम तो गाइस बाद में करेंगे, थोड़ी देर बाद आके करूंगा, पर फिलहाल खेत पे जाना पड़ेगा आज। बारह लगाना, सुबह सुबह जल्दी उठ गया हूँ। अरे स्टैचू ज्यादा दांत दिखा रही है। मेला में चल रहा है, मेला में जाई तू भी चाली मेला में चल छोटे बच्चे। सही काम कर रही है। कोई समय में आप भी थे जब मैं छोटा था तो मेरा काम भी नारियल फोड़ना ही होता था यहाँ गाइस। इसमें निंजा का नरेश जी यार बेइज्जती करा रहे हो यार। बेइज्जती नहीं है, ढीलो की तो उतने हाथ ढील। मैं गाइस जब मैं शक्ति खत्म हो गई है बाहर, जब मैं फोड़ता था दो शॉट मैक्सिमम, दो शॉट में तोड़ दिया था नारियल। देखो भैया इसका फोड़ने का तरीका है, नारियल को रखे और ऐसा गलती से कहीं और पड़ गया, सामने वाला के दांत टूटेंगे फिक्स। कोई नहीं, अगली बार को नया नारियल आ रहा है तो मैं बता, एक सिंपल है बताएगा कैसे फोड़ते हैं, क्या एक्सपीरियंस। अब बताओ गाइस दांत नहीं टूटेंगे इसमें। मेरा नाम ही, जब मैं छोटा था तो मेरा नाम यही था, टू शॉट नारियल क्रिकर। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। अरे मतलब और नाम बोल सकते तो मारो यार, टू शॉट नारियल क्रैकर। नहीं नाम तो मस्त है, नहीं टू शॉट मस्त है पर उतनी इतनी समझ नहीं थी। टू शॉट कोको क्रैकर, कोकोनट क्रैकर है नहीं, नट क्रैकर, टू शॉट नट क्रैकर, ये नाम हो सकता था मेरा, पर अफसोस नहीं हो पाया। अफसोस की नहीं हुआ, पर अब रखा जा सकता है मेरा नाम, टू शॉट नट क्रैकर। अभी एक बार से कुछ नहीं होगा क्या ही? एक अटेम्प्ट से कुछ नहीं होगा, ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। मैं फोड़ दूँ अभी शैमन। अरे नरेश यार, और वो पार्टी पर गाड़ी में आ गया। इसीलिए गाइस देख के चलना चाहिए हमेशा, एक्सीडेंट कहीं भी कभी भी कैसे भी हो सकता है। इसमें इनकी गलती है, उनकी गलती नहीं है भाई, गलती उसकी, उसको धीरे चलाना चाहिए यार। अच्छा धीरे चलाना चाहिए, आप आगे बंद करके जा रहे हो तो उसकी गलती भाई। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ ना। क्या काम कर रहे हो? और तो गांव में तो गाड़ी धीरे चलानी चाहिए। बोर्ड लगाते हैं 20 किलोमीटर की स्पीड से ज्यादा नहीं चलानी है। ज्यादा नुकसान तो नहीं हो, मैंने अंगूठे पे टायर चल गया बस उसका। हाँ लागे लगती रहे निंजा, मतलब पड़े काम पड़ूंगा। नहीं दो अक्टूबर आ रहा है, दो तो अक्टूबर तो बहुत आ रहा है, पर आपका अभी दो अक्टूबर से पहले आप कहीं
गाइस 2 अक्टूबर को पंजी भी जाना है और नरेश का बर्थडे भी मनाना है ना। पंजी गोवा? हाँ गोवा पंजी। नरेश कल चला, पिछले साल जैसे इस साल भी, पिछले साल जैसे इस साल भी, हाँ इस साल नहीं, इस साल नहीं, इस साल नहीं हो पाएगा, इस साल दोस्त गाइस नरेश बता दो तू पिछले साल क्या हुआ था। नहीं आपने नहीं बताना, पावर तो पता चल जावे ना। नहीं पावर नहीं चालनी चाहे। अरे तू मन तो बता दिया यार, याद नहीं बता सकू मैं। नहीं आप रिवील नहीं करा, अब रिवील नहीं करा क्यों रिवील कर मंदिर का काम तो कम्प्लीट हो गया गाइस, अब है साफ सफाई, अब साफ सफाई चल रही है। चाचा मेरे चाचा की भी छुट्टी है, मेरे देखो जाते थे तो ड्रीम इलेवन पे टीम कही हो पार्टी भाई। अब कही है यार, देखो गाइस ये है चूतिया गाइस जो वो ये नहीं इन्हें सुबह भी काम में लगाई हो वो निंजो देखो तो खाडो पड़ी हो कि देखा। अरे खाडो पड़े रे बड़े छोड़, वो देख हां पड़ी हो तो गाइस मैं क्या बोल रहा था आज सुबह नहीं कह रहा नहीं यार काम यान का कर रही है यार तो मैं छोड़ तो सही मैंने पर वो तो गाइस नरेश ने क्या बोला था मैंने बता बता यार मेरा पेट मोटो जाए यार अगर मैं मन में बात रखूं तो आपने यान नहीं तो नरेश ने कहा बस बड़ी बजे देख रही है बोल नहीं तू। अरे इतनी बड़ी बात है लोगों ने पत्थर चाली तो क्या इज्जत हुई। अरे कोई नहीं रे बाकी बात पंच पत्थर पत्थर नरेश करें पिछले ओके क्या नरेश ही बताया मैंने मन तो पत्तों को नहीं हुआ भाई नरेश मारे। नरेश ने बोला था कि पिछले साल जब इसका बर्थडे था तो इसके दोस्त कितनी सात स्कॉर्पियो लेके आए थे, सात स्कॉर्पियो। अब देखो सात स्कॉर्पियो वो चीज कर मैं क्या कह रही हूँ, सात स्कॉर्पियो में एक स्कॉर्पियो में तीन बंदा तो है बोला घंटा है सात जुड़ाया ठीक है सात स्कॉर्पियो में सात जुड़ाया। अब हमने कहा कोई फोटो दिखा दे कुछ तो दिखा दे उस दिन की कि नहीं सातों के पास फोन ही नहीं है गाइस रिवील नहीं करते नहीं सातों के पास फोन भी नहीं है। मेरे का एक दोस्त का नाम भी बता दे। देखो गाइस रिवील नहीं करते एक दोस्त का नाम तो बता दे। अरे नहीं मेंशन नहीं करना कभी किसी को ये पूरे गांव में इसने फेंकिया मार दी है। स्कॉर्पियो की 12-13 लाख है नॉर्मली। काम और ये विजय भवन है आराम से जीत की खुशी बनाते हुए जीत की खुशी बनाते हुए नया डांस प्रैक्टिस कर रही है इतना स्टेप आता भी इसको और ये लो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छी खासी रोड बन गई थी हमारे यहाँ पर बाद में इनको पता चला कि पाइपलाइन नहीं डाली है तो पाइपलाइन डाल दी इन्होंने ठीक है और मस्त रोड की ऐसी की तैसी कर देंगे अभी। और हाँ लास्ट ब्लॉग में जो मैंने बताया था कि जो ये ऑप्टिक्स का घट्टा है जो वो जियो वाला भूल के चला गया है तो एक्चुअली ये भूल के नहीं गया ठीक है वो ये पूरे पैक में ये रोलर भी आता है ठीक है इसके भी पैसे दिए हुए मैंने
मैंने सोचा वो भूल के चला गया। नहीं नहीं, इसके पैसे भी मैंने ही दिए हैं। वो जितना वायर यूज़ होता है उतना लगा देते हैं, बाकी एक्स्ट्रा छोड़ जाते हैं कि अगर फ्यूचर में तुमको शिफ्ट करवाना है तो यही वायर यूज़ होगा, नहीं तो एक्स्ट्रा वायर यूज़ करना है तो उसके पैसे लगेंगे। ला 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 ला। खाने में है आज तो दाल 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 और बचा हुआ चूरमा। चूरमा तो चलेगा अभी हमारा 3-4 दिन। क्या चूरमा बनता भी बहुत सारा है और ख़राब होता नहीं है, तो आराम से चल जाएगा हमारे 6-7 दिन। पर रात को मैं अभी खाना खाता नहीं हूँ, खाना खाता हूँ मैं स्ट्रीम के बाद। अभी सिर्फ मैं दूध और एक रोटी बस। कूलर में पानी भर रहा है, खाना पीना तैयार है, स्ट्रीम का टाइम होने वाला है, तो मेरे ख्याल से ब्लॉग के अब अंत भी यहीं पे है। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। फिलहाल तो अपनी लाइफ ऐसी चल रही है, ब्लॉग आया है ये वाला, अगले ब्लॉग की कोई गारंटी गुंजाइश कुछ भी नहीं है। लाइट जला देता हूँ ताकि फेस सही दिखे। अगला ब्लॉग कभी भी आ सकता है, तो इसी ब्लॉग को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे सरप्राइज़ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए दिस इज निंजा लियो साइनिंग आउट।